दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय प्रियदर्शनी स्कूल पट्टी। इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गुलशन कुमार ने हिमाचल में स्कूल खुलने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों में छोटे बच्चे बिना बस स्कूल नहीं पहुंच सकते। जब तक स्कूलों की बसें नहीं चलेंगी, बच्चे स्कूल कैसे आएंगे? बसों की मेंटेनेंस के लिए एक महीने का समय दिया जाए, क्योंकि दो साल से बसें खड़ी हैं। कोरोना के कारण पहले ही स्कूल परेशान हैं और जिस तरह से सरकार ने स्कूलों को चलाने के लिए आदेश जारी किए हैं, उससे और परेशानी होगी। इसलिए एसोसिएशन ने सरकार से आग्रह किया है कि बसों की मेंटेनेंस के बाद सभी बच्चों को दिसंबर में निजी स्कूल बस सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने सरकार से मांग की है कि बसों के पासिंग व इंश्योरेंस सहित रोड टैक्स जमा करवाने के सभी दस्तावेज तैयार करने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया जाए। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गुलशन ने सरकार से आग्रह किया है कि बसों का टैक्स पूरी तरह माफ किया जाए। पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत और धन्यवाद कि आप इस हमारे एसोसिएशन के तरफ से आप लोग यहाँ आए। सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना, स्कूल को खोलने का निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। मैं हिमाचल प्रदेश इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से सभी स्कूलों की तरफ से ये बोलना चाहूँगा कि स्कूल सरकार ने खोल दिए, लेकिन बसों की जो हमारी प्रॉब्लम है, जो ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि अभी छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोले गए, ऐसा लिया है एसोसिएशन की तरफ से कि ट्रांसपोर्ट जो है वो हम 1 दिसंबर से सभी बच्चों के लिए अवेल करवाएंगे। 1 दिसंबर से जो पीछे का जो पीरियड है, इसमें हम बसों की सारी फॉर्मेलिटी के लिए सरकार से समय चाहेंगे है, तो इसलिए हमारी एक तो पहली बड़ी सबसे बड़ी मांग ये रहेगी। और हम ये चाह रहे हैं कि सरकार हमें 31 मार्च तक इन पेपर्स को वैलिड करे, ताकि इससे बीच में जितनी भी हमारी फॉर्मेलिटीज हैं, वो चाहे पासिंग की है, टैक्सेस की है, इंश्योरेंस की है, उसको हम पूरा कर करके विद इन 1 मंथ, जैसे अब 1 दिसंबर से हम बसें जो है अपनी प्राइवेट स्कूल में बिना बसों के नहीं आते हैं। तो इसलिए हमारी सबसे पहले तो सरकार से ये मांग रहेगी कि पिछले लगभग 1.5 साल से बसें खड़ी हैं, तो हमें लगभग 1 महीने का समय दिया जाए, ताकि हम इन बसों की रिपेयर और इनकी मेंटेनेंस और इनके टैक्सेस के ऊपर बात कर सके। सरकार पिछले 1.5 साल से सरकार ने टैक्स के ऊपर। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नगरोटा सूर्या से रामस्वरूप शर्मा की रिपोर्ट। फेल विद्यार्थी निराश ना हो, परीक्षा में फेल विद्यार्थी भी अपना भविष्य संवार सकते हैं। आप प्रियदर्शनी स्टेट ओपन स्कूल पट्टी पालमपुर से 8वीं 10वीं जमा 2 के कॉमर्स साइंस मेडिकल नॉन मेडिकल की परीक्षा दे सकते हैं। जल्द करें, सीट्स लिमिटेड हैं। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें प्रियदर्शनी स्टेट ओपन सीनियर सेकेंडरी स्कूल पट्टी पालमपुर। 8वीं की परीक्षा के लिए 5वीं या 7वीं का पास सर्टिफिकेट जरूरी है, जबकि 10वीं की परीक्षा के लिए 8वीं या 9वीं का पास प्रमाण पत्र तथा जमा 2 की परीक्षा के लिए 10वीं का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र आवश्यक है। मार्च 2022 की परीक्षा के लिए दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें।